नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, युवाओं पर सोशल मीडिया इस प्रकार हावी है कि वो अपना खाना खाना तक भूल जाते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का लोग ज्यादा मिसयूज करने लगे हैं। कई प्रकार की फेक आईडी बनाकर युवक युवतियों को अपने झांसे में फंसाते हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी से हमारे सामने आया है, जिसमें आरोपी ने करीब 5,10,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। यह ठगी करने वाला कोई भारतीय नहीं बल्कि नाइजीरिया का रहने वाला आरोपी है। चिडिबेरे बेनार्ड नामक व्यक्ति ने फेसबुक के माध्यम से नरायपुर में रहने वाली के महिला का भरोसा जीतकर 5,00,000 की ठगी कर दी। उसके बाद मोबाइल बंद कर फरार हो गया। महिला को जब ठगी का एहसास हुआ तो सिविल लाइन थाने में मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया। इसके बाद पुलिस ने दबिश करते हुए ठगी के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके बाद पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर ले आई। दरअसल आरोपी फेसबुक के जरिए महिलाओं को फंसाकर ठगी किया करता था। आरोपी ने पार्सल से रकम के साथ जूते बैग भेजने की बात कहते हुए महिला से कुल 5,10,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपी चिडबिरे बेनार्ड पिता क्रिस्टोफर 32 साल निवासी असाबा नाइजीरिया के दिल्ली स्थित निवास की तलाशी में एक लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, एक पासपोर्ट, एक वीजा, वाईफाई राउटर, नकदी 47,500 रुपए और 5 विदेशी नाइजीरियन करेंसी जब्त की गई। असाबा नाइजीरियन के रहने वाले आरोपी ने पूरे भारत में सैकड़ों महिलाओं को अपने झांसे में लेकर प्रलोभन देकर लाखों रुपए हासिल करने की जानकारी दी। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं माल बरामद करने में उपनिरीक्षक तापेश्वर नेताम, प्रार राधाकांत पांडे, संदीप दीक्षित, आर चिंतामणि साहू, विक्रम वर्मा, राजीव खान, प्रमोद बेहरा एवं हिमांशु राठौर का विशेष योगदान रहा। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।